हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही यूज़फुल टिप शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने फ्रिज में से बासी चावल निकाले हैं। अब इस चावल को हम कैसे फ्रेश बनाएं, ये टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए कितने चिपचिपे चावल हैं। ये दोपहर के बासी चावल बचे हुए थे, मैंने सोचा कि शाम को इसे खाएँ, और ये बासी चावल अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको फ्रेश बनाएं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि बासी चावल को फ्रेश कैसे बनाएं। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1.5 ग्लास पानी। अब ये पानी बिल्कुल जब उबलने लग जाए उसी के बाद हमने इसमें ऐड करना है चावल। ये देखिए इसमें उबाल हल्का हल्का आने लग गया, जब इसमें तेज उबाल आने लग जाए उसके बाद ही हमने इसमें ऐड करने हैं चावल। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है सभी लेडीज़ के लिए जो लोग मजबूरी में चावल खा लेती हैं, कि अनाज वेस्ट ना हो इसलिए वो खा लेती हैं। तो देखिए मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए क्योंकि इसमें उबाल आ गया था। अब मैं इसको अलग कर लूँगी चम्मच की हेल्प से चावल को, ताकि ये बिल्कुल खिले खिले बने। जब इसमें तेज़ उबाल आने लग जाए तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए इसमें हल्का हल्का उबाल आ रहा है। इसको हम इसकी स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से हम इसे हिला लेंगे ताकि सारे चावल अलग अलग हो जाएं। देखिए उबाल आ गया है बहुत। अब हमने इस गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि चावल का टेस्ट नहीं बदलता है। ये देखिए मैंने स्ट्रेनर की हेल्प से चावल को इसमें से अलग कर लिया है। अब मैं प्लेट में सर्व करूँगी, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बन गए हैं, बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं चावल। आप इसे किसी गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, अगर आप उनका दिल करे चावल खाने का और आपके पास बासी चावल हो तो आप गेस्ट को भी इस तरह से फ्रेश बना के उनको सर्व कर सकते हैं, और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि ये बासी चावल थे कि ताज़े चावल हैं, क्योंकि इनका टेस्ट नहीं बदलता है। और सभी ट्रिक से टेस्ट बदल जाता है चावल का, पर इस ट्रिक से नहीं बदलता है टेस्ट। अब देखिए कितने खिले खिले एक एक चावल अलग अलग हो गया बिल्कुल। तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं अपने घर में चावल। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।